के साथ दर्शन करेंगे बाबा के। हमने ध्यान से देखा नहीं कुछ, बाबा यहाँ पर अपन को कुछ बताने वाले हैं। ये अपन ने सिद्धि का कल नहीं, हाँ ठीक है, इसके अंदर ये एक और है। अच्छा बाबा, हाथ डाल के आप देख सकते हो। अच्छा, हमें ये जल आ रहा है नहीं, हाँ तीन निकाल मस्त वाला। छबड़ा छबड़ा चलूंगा क्यों रहा। वाह, मौके में से निकलना है अपन को यहाँ से। सामने से बाइक है और नीचे पानी भरा हुआ है। महेश भाई क्या हाल है? बस मजा आएगा, सीधे ले लो, घुमा के ला। इधर तो कीचड़ है। हाँ जी तुलसीराम। तो दोस्तों, मैं यहाँ की केदारनाथ आने के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर टोटल गाइड करूंगा कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो और क्या क्या रास्ते हैं और कहाँ से आप आते हो, तो वहाँ की भी मैं आपको मैप लोकेशन दे दूंगा, तो आप उसके जरिए यहाँ पर आ सकते हो। और बहुत ही अच्छा स्थान है और बहुत ही प्यारा लगा। और यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके बाबा ने आपको बताया था कि बाबा मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा, और तीन शिवलिंग है जिनके दर्शन करके आप अच्छे मतलब बहुत ही ज़्यादा मजे ले सकते हो। यहाँ पर बहुत ही आनंददायक जगह है। और यहाँ पर जो दा कुंड वगैरह और यहाँ पर श्याम कुंड, बहुत सारे कुंड हैं, उन सभी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा भव्य और यहाँ पर मजे ले सकते हो और इन्जॉय करने के लिए भी यहाँ पर ऊपर भी काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, इनमें आप घूम सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और आज का जो ब्लॉग होने वाला है अपना बहुत ही शानदार ब्लॉग है। हम जो लोग आए हैं कवाई से, राजस्थान से, बारा राजस्थान से हम यहाँ पर आए हैं, तो वहाँ से आने में हमें करीबन 150-200 किलोमीटर हैं। तो वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं, वो सारा रास्ता मैं आपको बताऊँगा और उसके जरिए भी मैं आपको जो सारे रास्ते हैं वो सब उन सब के बारे में गाइड दूंगा। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ के टोटल गाइड करके, यहाँ पर ये काम चल रहा है पुलिया का और ये है अपन गुगोर। गुगोर में ये पार्वती नदी है, यहाँ पर गुगोर माता जी का सामने मंदिर दिख रहा होगा आपको। मोबाइल काफ़ी ज़्यादा ही लगा यार, क्योंकि ना एक्सीडेंट रह गया आज घर पर और हम अचानक से प्लान बना के आ गए। और ये जो सामने देख रहे हो आप, ये है गुगोर का किला। यहाँ से अपन सीधे चलेंगे और यहाँ पर काफ़ी अच्छा है पुलिया का काम चल रहा है, जो कि बरसात में यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, उसके लिए पुलिया का काम है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और यहाँ से देख सकते हो आपकी अभी ये रास्ता है और महेश भाई सामने बाइक चला रहे हैं। तो यहाँ से ये रास्ता है, ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से और जैसे नई पुलिया का काम हो जाएगा और यहाँ से वेलकम टू MP, ये MP की सीमा है, यहाँ से MP स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर रास्ता कुछ इस तरह से है जो कि खराब है यार, आगे से रोड भी आया, चलो अच्छी बात है रोड नज़र आया। और ना सबसे अच्छी बात है कि अपन वहाँ पर है ना फोटो शूट भी करेंगे, फोटो शूट का ब्लॉग भी आने वाला है और फोटो शूट के लिए हम कैमरा भी लेके आए हैं M50 और उसमें 50 mm का लेंस, जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है। बैठा कर रहे हैं और यह है कॉलोनी। अभी हम हैं कॉलोनी में, थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलने वाले हैं, बस कुछ ही देर में।
तो दोस्तों ये है खाताखेड़ी, यहाँ पर खाताखेड़ी से आपको यहाँ पर ये रोड मिल जाती है और यहाँ पर आपको ये रास्ता मिल जाता है। तो इससे आप शॉर्टकट, मतलब यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है बाहर, वहाँ से आपको केदारनाथ का, यहाँ से अपन को मिलेगा 4-5 किलोमीटर का रास्ता ये। तो फाइनली दोस्तों भाइयों यह है केदारनाथ का रास्ता, जिससे अपन अभी कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं केदारनाथ। बसें वगैरह भी आती है यहाँ पे तो यार। बाइक पार्किंग, कहाँ से हो भैया जी आप, कहाँ से हो? क्या बात है भैया, बोले केदारनाथ धाम यहीं से ही है। तो यहाँ पर अंदर चलेंगे और यह है मेन गेट का इनका व्यू। तो अपन चल रहे हैं इसके अंदर। यहाँ का एक्सपीरियंस आपको बताएंगे आगे चल के, और आगे चलते हैं। और तो अपन हैं अभी यहाँ पर मेन गेट पर, यहाँ से अपन नीचे चलेंगे, यहाँ पर अपने सूच वगैरह खोल देते हैं। हम ना यार पूजा लेके आए थे, और पूजा यहाँ पर क्या हुआ कि ये बंदर मामा ऊपर देख सकते हो आप, हमारी पूजा भी छुड़ा के ले गए महेश भाई से, और महेश भाई ने बड़े प्यार से उनको दे दी। तो यहाँ से चलते हैं नीचे। यहाँ पर उतरने के लिए अपन को यहाँ पर ये रेलिंग भी दी हुई है, छाओ तो आप इसको पकड़ के भी यहाँ से उतर सकते हो, बिल्कुल आसान है उतरना। तो आप चढ़ेंगे तब बताएंगे कि यहाँ का परिणाम कैसा होता है और कितना नीचे है। पानी का पता नहीं नीचे मिलेगा या नहीं, क्योंकि अभी ना मौसम ऐसा है कि पानी वगैरह का तो है ही नहीं। हमने हमारी चश्मा वगैरह यहाँ पर खोल ली है, क्योंकि ना बंदर मामा बहुत ही शैतान होते हैं। पूजा तो ले ली, अगर चश्मा ले जाएंगे ना तो यहाँ पर इनके लिए फ्रूटी भी नहीं मिलने वाली, ये छोड़ दे। और रास्ते देखो आप कैसे गुफा की तरह है, देखो आप यहाँ पे ऊपर और यहाँ पर बिल्कुल मस्त वाला। बहुत बड़े बड़ी सीढ़ियां हैं ये देख सकते हो आप, यहाँ पर बहुत ही हाई हाई। और यहाँ पर ये गुफा भी है जो सामने आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है यहाँ की गुफा, उसके अंदर चलेंगे, लेके चलेंगे आपको, घुमाएंगे। अभी दिन भर अपन को यही घूमना है। ब्लॉग जो है थोड़ा बड़ा होगा, मगर मजा बहुत आने वाला है आपको। बरसात में जो झरना गिरता है वो सामने से गिरता है यहाँ से, बहुत ही पानी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत मस्त होता है बरसात में। तो अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जैसे कि पानी बिल्कुल भरा हुआ है पहले का ही।
लेके चलते हैं आपको नीचे और हाथ धो के आएंगे वहाँ पर। मंदिर मामा देख सकते हो, पौन को भी छुड़ा सकता है, इसलिए मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया है। कुंड में आ रहे हैं, कुंड में थोड़े तो हाथ वगैरह धोएंगे यार। इसमें बरसात में नहाने में बहुत मजे आते हैं और यहाँ ऊपर से कितना ऊपर देख सकते हो आप, बहुत ही ऊपर है, बहुत ही हाई लेवल से, इतने ऊपर से यहाँ पर बारिश होती है, बारिश गिरती है ऊपर से पानी गिरता है, बहुत मजा आता है यहाँ पर बरसात में आने में। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, चलते हैं अपन मंदिर की तरफ, कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर देखो बारिश गिर रही है, बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है। हाँ देव बोले ना, यहाँ के आप दर्शन कर सकते हो। तो ये है यहाँ पर केदारनाथ टेम्पल, जिसकी ये देख सकते हो आप यहाँ पर, और ये हैं हमारे महादेव जी, जो कि आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो इनके। और देख सकते हो आप कि यहाँ पर भी और बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पर 12 महीने बारिश रहती है। और बाहर इनकी प्रतिमा बनी हुई है, जो कि तस्वीर लगी हुई है, बस काफ़ी शानदार। और यहाँ पर ना जो बाबा जी पूजा करते हैं वो यहाँ पर हैं ये रहे, और इधर हवन कुंड वगैरह यहीं पर रहते हैं ये बाबा जी। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और बरसात में कभी कभी यहाँ आओ ना, बरसात में तो और भी प्यारा आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आता है बरसात में। जो कि यहाँ पर से ये जो झरने हैं जो सामने आप देख रहे होंगे, ये झरने हैं, ये बरसात में पूरी बरसात यहाँ से झरने चलते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और इधर नीचे बहुत ही स्नान करने की काफ़ी जगह है, क्योंकि अभी वहाँ पर कुंड बना हुआ है और कुंड में पानी है, जो कि पानी से भरा हुआ है। और मैं आपको कुंड दिखाता हूँ, कुंड के दर्शन करवाता हूँ। तो ये यहाँ पर कुंड है, इसके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो, जो कि ऊपर से बहुत ही हाईएस्ट, बहुत ही ऊपर से पानी गिरता है, जो कि आप देख सकते हो कितना ऊपर है, बहुत ही ऊपर से नीचे तो बारिश गिरती है, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। और यहाँ पर महादेव जी के लिए, मतलब यहाँ पर जो पानी गिर रहा है ना, ये 12 महीने रहेगा यहाँ पर। इस तरह से प्रतिमा आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जो कि काफ़ी शानदार है। महादेव जी के यहाँ पर दर्शन कर सकते हो आप, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। मतलब हमने इतने दर्शन किए ना कि रीले बनाई, और कब बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि भीड़ भी नहीं रहती। और बाहर भी आप महादेव जी के यहाँ पर दर्शन कर सकते हो, जो कि महादेव जी के यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। देख सकते हो आप कि यहाँ पर काफ़ी सारे शिवलिंग हैं, बहुत सारे शिवलिंग हैं यहाँ पर। और इधर भी आपको देखने को और भी मिलेंगे, ये यहाँ पर पीपल का पेड़ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रतिमा बनी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे शिवलिंग हैं, बहुत सारे शिवलिंग हैं यहाँ पर। और बंदर मामा से अपना ध्यान रखना है आपको, अपने कैमरे वगैरह का, चश्मा वगैरह का, मोबाइल वगैरह का। पूजा यहाँ तक बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाती है। यहाँ के बारे में बाबा से कुछ पूछेंगे। बाबा यहाँ के शिवलिंग को केदारनाथ कैसे कहते हैं? शिवलिंग में तीन शिवलिंग है। अच्छा, जो जल आ रही है नहीं? हाँ। तीन है, दिन में दिखेंगी दो और रात्रि में दिखेगी तीन। अच्छा, 12 से 3 तक तीन ही दिखेंगे। अच्छा, तो दिन में दो देखेंगी धारी, जो अपन चिन्ना मत लेती है ना। हाँ, हाँ। और इसमें अंदर भी पिंडी है। अच्छा, यहाँ पूजा होती है उसकी। अच्छा, करते वो अपने यहाँ पर पूजा लगता है, ऊपर ही शिव जी का, मतलब कश्मी का तिलक लग जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक ही। बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ये शिवलिंग है, जो जिसके अपने अभी मैंने आपको दर्शन करवाए हैं, इसकी कोई भी पूजा, ये बाबा की पूजा नहीं करते हैं, इसकी पूजा जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। और जो उसको जो तिलक होता है वो बस का, वो ऑटोमेटिक ही तिलक लग जाता है।
और यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके तीन शिवलिंग है जो कि दिन के 12 बजे तक मतलब दो है और रात में तीन हो जाते हैं। देवी देवता बता नहीं जान का, कोई देवी देवता नहीं, ये सब गए इस तरह हम बर्बादी में गए, इसके बाद में कोई पूजा नहीं। अच्छा, 12 महीना मतलब ये भी लगे कछुरी है मतलब अथवा पूरे बाबा देवी का। बाबा एक बार और अपन को दर्शन करवाएंगे, एक बार इनके साथ दर्शन करेंगे बाबा के, हमने ध्यान से देखा नहीं कुछ, बाबा यहाँ पर अपन को कुछ बताने वाले हैं। ये अपन ने शिवलिंग की पूजा कर ली, हाँ ठीक है, इसके अंदर ये एक और है। अच्छा बाबा, हाथ डाल के आप देख सकते हो। अच्छा, हमें ये जल धारा है नहीं, हाँ तीन निकाल दिए एक रात्रि। अच्छा, और इसकी पूजा अंदर होती है, इसमें ही नांग बैठता है, सोमवार 14 शिवरात्रि। अच्छा, नांग देवता आते हैं, नांग देवता इसमें बैठना। आप हाथ डाल के देखो ना, यहाँ से देखा जाएगा, खूब सारा जाएगा अंदर। हाँ, हाँ है, ये बाबा भी मानता है, सोने चांदी के नाम डालते हैं नहीं, इस पिंडी के अंदर ही सरकार देती है। शिवरात्रि को उठा के और इसके नीचे बंद कर देते हैं, जैसे अपनी मनोकामना है। यहाँ पर एक शिवलिंग हो रहे क्योंकि अंदर चढ़ा दे तो अंदर जगह, और ये तीन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, बाबा बोल रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर भी ज्यादा चलते हैं, हमारी भी मनोकामना पूरी करेंगे बाबा। और जो जल की लहरी है ना, हाँ एक तो ये देख रही है, हाँ उनके कोने में गई है, हाँ अपन वापसी उलाएंगे, हाँ ये नीचे से ही गई है, वो नीचे वाली जो ऊपर वाली ये देख रही है। अच्छा, इसमें यानी कि तीन है तो तीनों की अलग अलग रास्ता है, एक वो अंदर ही है, धन्यवाद जल छट के जाएगा कि नहीं, कि इसका जल इधर चला जाए नहीं जाए। अच्छा, अलग अलग ही है, चलता है नीचे घर में ही जाएंगे सब हमारी है, 12 महीने जल अभी से चलता ही है। और यहाँ का जो जल, ये जो जल गिर रहा है, ये 12 महीने अभिषेक चलता है यहाँ पर, महादेव जी का 12 महीने जल अभिषेक हो रहा है, बहुत ही अजब है। और यहाँ के बारे में जो बाबा ने बताया उससे लगता है कि बहुत ही खतरनाक स्थान है, जिसके बारे में अपन जानते भी नहीं थे, और मैं आया और मैं ऐसे जा रहा था, बट बाबा ने यहाँ के बारे में बताया, जो कि उन्होंने शिवलिंग के पास बिठा के और उस पर भी कुछ बताया उन्होंने, क्योंकि उससे तीन रास्ते हैं, तो वो कुछ यहाँ पर बाबा ने कुछ अपन को बताया जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही अद्भुत है दर्शन है। तो यहाँ पर आप लोग कभी आओ और बहुत ही अद्भुत दर्शन करो जी के ना। अपन ने यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन किए, आप कलेंगे चलेंगे अपन, तो अभी अपन चलने वाले हैं गौरीकुंड, और यहाँ पर अपन केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए महादेव जी के, क्योंकि काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और बहुत ही भव्य। उन बाबा ने बताया अपन को कि यहाँ पर काफ़ी चमत्कार है, और अगर शाम को टाइम आते हैं तो अपन को यहाँ पर जो है वो ना के दर्शन भी होते हैं, जो कि वहाँ पर आते हैं वो, तो वो भी काफ़ी अच्छे अपन को दर्शन होते हैं, मगर अपन क्या है ना थोड़ा जल्दी, मतलब अभी दिन है और दूर से आए हैं तो अपन को जल्दी जाना पड़ेगा। तो अभी अपन चलते हैं गौरीकुंड, यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट हमने क्या है ना जूते चप्पल जो कि ऊपर ही खोल दिए थे, और अब है ना थोड़ा परेशानी आएगा अपन को, चलते हैं आपको घुमाते हैं। के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर एक गुफा है जिसमें मतलब है ना बाबा बोल रहे थे कि आज तक जो भी गया ना वो वापस नहीं आया, मतलब पता नहीं है कि वो कहाँ गया, उसका कुछ भी अता पता नहीं है कि वो इसमें जाने के बाद में वो कहाँ गया, मतलब उसमें कुछ मिलता भी नहीं है, मतलब उसमें कोई जाता ही नहीं है, ऑलरेडी जो जाता है वो वापस नहीं आता है, उस गुफा का यही राग है। तो वो वाली गुफा भी यही थी, मैंने आपको उसके बताया था ना, मैंने आपको भी इनका ये गुफा है वो वही गुफा थी, तो मैं तो सोच रहा था कि उसमें चलेंगे, मगर जैसे बाबा ने उसके बारे में बताया तो भाई साहब हवा निकल गई, मैंने कहा नहीं जाएं, तो पता नहीं वापस ही नहीं आ पाए। अब ये तो पता नहीं है कि वहाँ से कहाँ जाएंगे, हो सकता है महादेव जी के पास जाएं या पता नहीं कहाँ जाएं, बट कोई पता भी तो नहीं है ना कि उसके अंदर जाने के बाद में कहाँ जाएंगे, उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए था, तो इससे उसके अंदर तो अपन जाएंगे नहीं, मैंने आपको उसके दर्शन करवा दिए। और अपन चलते हैं इधर गौरीकुंड, गौरीकुंड जाने का रास्ता इधर से देख सकते हो आपके यहाँ से कुछ इस तरह का है, जो कि अपन को ध्यान से ऊपर से भी जाने का रास्ता है, बाइक वगैरह से थोड़ा दूर है,
वहाँ से भी जा सकते हैं, मगर यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ये पहले इसकी कोई मरम्मत वगैरह हुई होगी तभी तो ये ऐसे बना हुआ है। देखो यहाँ पर ये मतलब कुरंचा टाइप बना हुआ है जो कि गाँव में अपने बने होते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। देख सकते हो आप बहुत सारे पहाड़ है जो कि यहाँ पर अभी फोटो शूट करने वाले हैं अपन। चलते हैं पहले आगे। मौसम बदल रहा है दिल का। तो अपन आ गए हैं गौरीकुंड और ये यहाँ की लोकेशन जो कि काफी शानदार लोकेशन है। ना आए पर आवाज आ जाए। तो ये है गौरीकुंड, गौरीकुंड के आप भव्य दर्शन कर सकते हो यहाँ के। यहाँ पर भी ऊपर से काफी वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा है। अब यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। महेश भाई की हालत, महेश भाई क्या हाल है? महेश भाई बोले तक गए, बहुत ही खतरनाक है भाई साहब और बहुत ही बड़े बड़े हैं ये। तो अभी बहुत हल के आ गए नीचे, बहुत ही बड़े बड़े सीढ़ियां थी जो कि काफी ज्यादा हार्ड है। और यहाँ का नजारा जो कि अपन उतर रहे थे तब अलग था, और यहाँ से जो चढ़ रहे हैं वो नजारा बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही अलग कंडीशन है चढ़ने की। तो यहाँ का आपको मैंने दर्शन करवाया और यहाँ पर आप घूमे, मैंने आपको यहाँ पर हर जगह घुमाया। और भी है यहाँ पर, जैसे कि अभी रामघाट भी है यहाँ पर, तो उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है यार, क्योंकि ना 4:15 बज चुके हैं और अभी अपन को राजस्थान चलना है। और यहाँ से करीबन 100 सवा और आज मेरी प्यारी सी एंजल का बर्थडे भी है, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। तो इसलिए अपन को ना बर्थडे मनाना है, उसकी जाय की तैयारी करनी है। अभी कुछ भी नहीं है, तो आज की वीडियो में ब्लॉग, आज का जो ब्लॉग है वो बर्थडे के साथ ही ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से चलते हैं, शायद लगता है अपन ऊपर आ गए हैं, पहुँच गए हैं मंजिल तक, वापिस ऊपर तक। चलो अच्छा हुआ बंदर सूच वगैरह तो नहीं लेके गए, पाव नहीं लेके गए। यह है बाहर का नज़ारा यहाँ का जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बाबा लोग यहीं रहते हैं। तो अब अपन ऊपर वापस आ गए और यहाँ पर गार्डन बना हुआ है जो कि काफ़ी प्यारा गार्डन बना हुआ है। समय रहता तो आपको वहाँ पर भी घुमाते हैं, बट इतना ज़्यादा समय नहीं है अपने पास में। और इधर भी देख सकते हो, और यहाँ एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर भी महादेव जी विराजमान है, वहाँ पर भी महादेव जी का शिवलिंग बना हुआ है। और यहाँ पर ही सरदार जी बैठे हुए हैं। क्या हाल चाल है भाई लोगों? भाई साहब ज़्यादा चक्कर में मत रहना, आके निकाल रहा है, गटक जाएगा अपन को, अभी 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। महेश भाई फोन में क्या मिल गया? स्टोरी में अच्छा, महेश भाई छाती पे चढ़ रहे हैं दोस्तों के, स्टोरी लगा लगा के बता रहे हैं कि हम केदारनाथ आए हैं।